अरे भैया जी मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मुझे मना मत करें, मेरी माँ बीमार है, उनको दवाई लाकर देनी है, मना मत करें। अरे बाबू राम, कितनी बार तुझको कहूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाओ अब दिमाग खराब मत करो, किसी और से ढूंढ लो जाकर, मेरे पास पैसे नहीं। भैया जी ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ दे दें ताकि मैं अपनी माँ को दवाई तो लाकर दे सकूं, मेरे पास है ही नहीं, वरना मैं कभी ना मांगता। अरे बाबू राम, मेरे पास भी होते तो तुझको मना ना करता, दे देता, लेकिन है ही नहीं, किसी और से ढूंढ लो। ठीक है भैया जी, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, चले ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बाबू राम की माँ काफी ज्यादा बीमार थी, इसीलिए बाबू राम के पास पैसे नहीं थे कि वो उसको दवाई लेकर दे सके, इसलिए बाबू राम परेशान था। अरे अब मैं क्या करूंगा, कोई भी पैसे नहीं देता, आजकल की ये दुनिया बहुत ज्यादा लालची है, हर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं रखना चाहता, कोई किसी का हमदर्द नहीं, पता नहीं अब क्या होगा, ऐ ऊपर वाले दया करें ना कुछ मुझ पर। बाबूराम अपने घर आ जाता है। माला भी घर परेशान थी और माला उससे ये पूछती है कि सुनिए जी, आपको पैसे मिले हैं कि नहीं, माँ की तबीयत खराब हो रही है, दवाई लेकर आनी है, वरना ऐसे तो माँ और भी बीमार हो जाएगी। और फिर मैं क्या करूं, कितने लोगों से पूछा मैंने बाहर, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता। माला मैं खुद परेशान हूँ इस वजह से, क्या करूँ अब मैं। मैं तो कहती हूँ कि बाहर किसी से पैसे लेने से बेहतर है भैया जी से ले लेना, वो आपके बड़े भाई हैं और आपको मना भी नहीं करेंगे। रोशनी, वो मना भी नहीं करेगा और देगा भी नहीं, तुम उसको नहीं जानती, वो तो बहुत ज्यादा लालची है, भैया से तो पैसे की उम्मीद छोड़ दो, कुछ और देखते हैं अब तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। माँ बीमार और घर पर एक रुपया भी नहीं था बाबूराम के पास, जिससे वो अपनी माँ को दवाई भी लेकर दे सके, इस वजह से माला और बाबूराम अब बहुत ज्यादा परेशान थे। अगले दिन बाबूराम सुबह सुबह ही घर से जाने लगता है तो माला उससे ये पूछती है कि सुनिए जी, आज आप किसके पास पैसे लेने जा रहे हैं। नहीं माला, अभी तो मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ ले आऊँ घर के लिए, फिर किसी से पूछने जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं जंगल ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जंगल जा रहे हैं, तो चलिए ठीक है, ध्यान से जाइएगा और खाना भी खा लीजिएगा, ठीक है, और आज कोशिश करिएगा कि मिल जाए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, अब आप जाएं। इसके बाद बाबूराम जंगल को चला जाता है। जल्दी जल्दी से बस जाऊं और लकड़ियां काट कर घर दूं और फिर किसी से जाकर पैसों का पूछूं। हाँ बस जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेता हूँ। अरे बाबू राम कैसा है, ठीक है ना? और बाबू राम कहाँ को जा रहा है? हाँ श्यामू भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस जंगल जा रहा था थोड़ी सी लकड़ियाँ लेने घर के लिए। और श्यामू भैया तुम ठीक हो? हाँ बाबू राम मैं भी ठीक हूँ। तो चलो ठीक है फिर, मुझे ना कोई काम था तो फिर मैं भी निकलूं और तुम भी घर के लिए लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तुम भी जाओ और मैं भी फटाफट से बस ना निकलूं।
बाबू राम जंगल जा रहा होता है और रास्ते में क्या देखता है कि एक लोमड़ी जो घायल गिरी पड़ी है और मदद की पुकार लगा रही है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। अरे ये तो एक लोमड़ी है और मुझे लगता है घायल है, इसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ पर घायल पड़ी हो, क्या हुआ है तुमको, जरा बता सकती हो मुझको? मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे गले में कुछ अटक गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक मेरी बात मानोगे? अरे हाँ हाँ लोमड़ी, मदद के लिए ही आया हूँ, बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम आगे जंगल में जाओगे, वहाँ पर एक साधु बाबा तुमको नजर आएंगे, उनके पास जाकर एक जड़ी बूटी ले आना और उनको बताना कि लोमड़ी है एक, उसके गले में कोई चीज अटक गई है और उसको सांस नहीं आ रही, वो तुमको एक जड़ी बूटी देंगे, वो लेकर आ जाओ, बस यही मदद चाहिए तुमसे मुझे। अरे हाँ 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 मैं अभी गया, बस अभी अभी गया और अभी आया। बाबू राम जल्दी जल्दी लोमड़ी की मदद के लिए निकल पड़ता है। अभी ये साधु बाबा पता नहीं कहाँ होंगे, मैं तो काफी देर से चल रहा हूँ, अभी तक तो मुझको मिले नहीं, चलो और जाता हूँ आगे, शायद इस तरफ मिल जाएं। अरे मिल गए मिल गए मिल गए, वो रहे, बस अभी पहुंच गया। प्रणाम साधु बाबा, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ, मुझे किसी की मदद करनी है और मुझे उसने आपके पास भेजा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, जो है बात मुझको बताओ। बाबा जी वहाँ एक लोमड़ी है, उसको सांस नहीं आ रहा और उसने मुझे आपके पास भेजा कि साधु बाबा मिलेंगे, उनसे जाकर बात करना और वो एक जड़ी बूटी देंगे, वो ले आना, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे बेटा जड़ी बूटी नहीं, उसकी कमर पर जाकर दो थपकियां लगाना, उसने वैसे ही ठीक हो जाना है, बस इतना ही काम है, जाकर कर दो, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं जाकर ऐसा ही करता हूँ, तो चलिए ठीक है मैं अब जाऊँ। वो बेचारी तड़प रही थी, सांस नहीं आ रहा उसको। बाबू राम जैसे ही पलटता है वापिस जाने को, तो साधु बाबा उससे ये कहते हैं कि अरे बेटा इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए क्या, बस यही लेने आए थे यहाँ? जी बाबा यहाँ पर तो मैं यही लेने आया था बस। तो बेटा तुझको और सच्ची में कुछ भी नहीं चाहिए? बाबा जी चाहने को क्या नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन मुझे ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ घर पर बीमार है और पैसे चाहिए मुझको ताकि मैं उनको दवाई लेकर दे सकूं, लेकिन कमबख्त ये मेरी किस्मत जो मेरा साथ नहीं दे रही, जिससे भी मांगता हूँ मिलते ही नहीं, और मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा बाबा जी चले ठीक है, वो बेचारी को कुछ हो ना जाए तो मैं चलता हूँ। इंसान को तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हर किसी को अय्याशी के लिए या किसी और काम के लिए ही चाहिए, अच्छे काम के लिए बहुत कम लोग मांगते हैं। तुम तो अच्छे के लिए ही मांग रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तो जाओ बेटा आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, जब तक तुम घर जाओगे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, अब जाओ जाकर उस लोमड़ी की मदद करो। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत ज्यादा ही शुक्रिया, मेरा दिल बहुत ज्यादा खुशी से भर गया है। अच्छा चले ठीक है बाबा जी, मैं जाकर उस लोमड़ी की मदद करूं, तो चलिए ठीक है फिर। बाबूराम इतना कहकर वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि बाबूराम को ये भी परेशानी थी कि लोमड़ी को कुछ हो न जाए
तो इसीलिए वो वहां से निकल पड़ता है। साधु बाबा ने तो कोई जड़ी बूटी भी नहीं दी, यही कहा है कि कमर पर जाके उसके दो थपकियां लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, जल्दी से पहुंचूं। बाबूराम लुमड़ी के पास आ जाता है और लुमड़ी को जल्दी से दो थपकियां कमर पर देता है। जब वो ऐसा करता है तो लुमड़ी के मुंह से एक हीरा जो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है गिरता है और लुमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाबूराम बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं होती, इसलिए मेरा फर्ज बनता था, इसलिए मैंने कर दी। बाकी ये जो हीरा गिरा है, ये तुम्हारे गले में था, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तुमको अभी पता चल जाता है बाबूराम। लुमड़ी के इतना कहने पर ही चमत्कार होता है और लुमड़ी वही साधु बाबा बन जाती है। अरे ये क्या हुआ बाबा जी, आप ही लुमड़ी बने हुए थे, आप तो चमत्कारी बाबा हैं। हाँ बेटा, मैं ही था, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी का पता था, तो मैंने तुमको कहा था ना तुम्हारी किस्मत जाते वक्त बदल जाएगी, तो लो तुम्हारी किस्मत बदल गई और ये जो हीरा है ये बहुत ही बेशकीमती हीरा है, आज से ये तुम्हारा हुआ, इसको बेचो और इससे तुमको इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा जी आपका, लेकिन बाबा आपने मुझको पहले क्यों नहीं दे दिया अगर आपको मेरी परेशानी का पता था? बेटा कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, कमानी पड़ती है, तो ये जो चीज है ये तुमने कमाई है, ये तुम्हारी अच्छाई की कमाई है। अगर तुम अच्छे थे, अगर तुमने मदद ना की होती तो आज ये हीरा तुमको ना मिलता। मैंने यही देखना था कि तुम में अच्छाई कितनी है, तुमने वापसी पर मेरी मदद की तो ये हीरा तुम्हारा हुआ, तो ये तुम्हारी अच्छाई का फल है जो तुमको मिल रहा है। अब इसको लो और जाकर अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारो। बाबूराम को तो हीरा मिल गया और उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन बाबूराम की किस्मत उसकी अच्छाई की वजह से बदली। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको हर किसी की मदद करनी चाहिए और हम में अच्छाई भी होनी लाजमी है, तो फिर हमारी किस्मत भी बाबूराम की तरह बदल सकती है।